मैया मैना मारी गुस्सा से बोली अब काम खाओगे शुक्र शनिचर बोले ले आ सोई नाई ठाकुर घर से निकल के भागे। अरे मेरा नाम क्यों ले रही हो, हमने क्या बिगाड़ा है। हाँ पतवे भोले बाबा की बरात तुम पहुंचे। अब तो भैया जैसे ही भोले बाबा ने देखा सो नाई ठाकुर से पूछने लगे तुम यहां क्या कर रहे हो, जो बालक गए तुम्हारे साथ वो कहां है। नाई ठाकुर बोले प्रभु तुमने बालक बताए रहे रसोई में डबुआ पत्तल कछ नहीं राखो अब इधर कह रहे और ले आओ और ले आओ। अब का हो वो चाहिए जवाब दिया भोले बाबा समझाए के बोले हम जानते वो ऐसे नहीं मानेंगे। श्रोताओं आज इधर बताया जब आप तो ऐसो करो ढाई पत्ता तुलसी के ले जाओ जाए के खबाइयो तब पूछो कचोर चाहिए। तो नाई ठाकुर समझ आए के बोले हाँ क्योंकि हमारी तो सर्दी मिले तुम्हें जो दुनिया में डबुआ पत्तल कछु नहीं राखो ढाई पत्ता तुलसी के तो उनकी डाढ़ में ही चिपक जाएंगे। ना दिया बोलो भैया ले जाओ अगर भोले बाबा की कृपा होगी तो तुम्हारो काम बन जाएगा। परीक्षित महाराज ढाई पत्ता तुलसी के ले जाए के शुक्र शनिचर को जब घबाए सो लंबी डकार मारी। नाई ठाकुर सोचन लगे मालूम पड़ रही काम हुई हो। बोले कचोर चाहिए बोले अब कछ नहीं बोले ना ले ले अब कछ नहीं बोले ना और ले ले तब से नाक दम कर दई ले आओ ले आओ। चलो शुक्र शनिचर को उठाया ले जाके भोले बाबा की बरात में कर दिया। अब तो भैया ये शाम को जब जन्माष्टमी को नंबर आओ परीक्षित महाराज एक दशा देखी हो ये तुम्हें गांव में जब काऊ की बरात आए तो सबकी नजर लड़के ही को होते हैं। जी लड़का कौन सी गाड़ी अगेला बाली पछेला बाली। देव ऋषि नारद बोले प्रभु ने कहा अच्छे बन जाओ क्योंकि ये सब गांव के तुम्हें ही देख रहे। बोले बाबा बोले नारद जी शादी होए बरात भाई लौट जाए हमें कोई मतलब ना हम बहुत अच्छे लग रहे। जवाब दो ठीक है प्रभु अब जो कचो है सब भुगत।